अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके साथ फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं डिटेल के साथ। तो तमाम सवालात को गौर से देखें क्योंकि ये सवालात आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तमाम सवालात को गौर से देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच केस पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेंटेंसेस टू 10 ईयर जेल। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 10 साल की सजा किस केस में दी गई है? तो इसका सही जवाब है सैफर केस में। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अगले हफ्ते होने वाले आम इंतखाबात से कबल उनकी सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन के दरमियान सरकारी राज अफशा करने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ये स्पेशल कोर्ट ने दी है जो कि इसकी समाअत हुई है अडयाला जेल में, और इनके साथ एक्स फॉरन मिनिस्टर जिनका नाम शाह महमूद कुरैशी है उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली फर्स्ट एंड न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज इन पाकिस्तान पावर्ड बाय DECIX लॉन्च बाय। रिसेंटली जो न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज जो पावर कर रही है DECIX, ये किसने लॉन्च की है पाकिस्तान में? तो इसका सही जवाब है PTCL ने। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट एक्सचेंज ऑपरेटर और पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मरबूत कंपनी है, इसने 29 जनवरी 2024 को PTCL को मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज तकफीत आफ्त की है, और यह मुल्क का पहला केयर न्यूट्रल शुरू किया गया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्वेश्चन, विच प्रिवेंट्स लॉन्चेस आर्म लेसेस मैनेजमेंट सिस्टम। किस सूबे में रिसेंटली जो आर्म लेसेस की मैनेजमेंट का सिस्टम को स्टार्ट किया गया है जो काफी टाइम से बंद किया गया? तो इसका सही जवाब है पंजाब में। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा और पंजाब के वजीर दाखिला के दरमियान हथियारों के ऑनलाइन परमिट देने के हवाले से एक मुहैदा तय पाया है, और इसमें आतिशी असला यानी कि जो भी पिस्टल या इस तरह का असी असर के लिए ऑनलाइन लाइसेंस का इजाज़ा और तजदीद नए पोर्टल के जरिए मुमकिन हो सकेगा। यानी कि आप अपने घर बैठे भी ऑनलाइन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, जिससे लाइसेंस के नाम पर मुंतकली भी मुमकिन होगी। यानी कि आप कोई भी असला कहीं पे मुंतकिल कर रहे हैं, किसी और के हवाले कर रहे हैं, तो वह भी आपके लाइसेंस मुंतकिल भी हो सकता है किसी दूसरे शख्स के लिए। तो ये भी अच्छी खबर है। आप लोग अपने घर में अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी भी लेसेस की जो आर्म लेसेस है उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच केस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज वाइफ बुशरा बीबी सेंटेंसेस टू 14 ईयर जेल। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और उनकी एलिया इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ किस केस में 14 साल की सजा उनको सुनाई गई है? तो इसका सही जवाब है तोशाखाना केस में। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर कानूनी तौर पर सरकारी सामान को फरोख करने का जुर्म पाया गया है, और इन्हें 14 साल की कैद सुनाई गई है। 31 जनवरी 2023 को रावलपिंडी की एक एहतसाब अदालत ने जो बदनामी से मुतलिक मुकदमात की समाअत करती है, ये भी फैसला किया है कि इस जोड़े को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से रोक दिया गया है, और हर एक को 787 मिलियन रुपए यानी कि $2.8 मिलियन जुर्माना अदा करना होगा। तो ये समाप्त हुई है, ये इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना के केस में सजा सुनाई गई है जुर्माने के साथ। नेक्स्ट, हु विंस द 2023 ICC अवार्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मैन ODI टीम ऑफ द ईयर। किसने अभी रिसेंटली जो 2023 की ICC अवार्ड के कैप्टन जो ICC मैन ODI टीम बनती है जिनको 11 भी कहा जाता है, टॉप 11, तो वो उनकी कैप्टनसी किनको मिली है? जिसका सही जवाब है रोहित शर्मा को। इंटरनेशनल काउंसिल के ने ICC अवार्ड 2023 के हिस्से के तौर पर मर्द और ख्वातीन के फॉर्मेट में साल की 5 ICC टीमों का मेयर वन डे टीम ऑफ द ईयर में 6 हिंदुस्तानियों को शामिल किया है। ICC ने ये ऐलान किया गया है कि जिसके साथ रोहित शर्मा को 11 या टॉप 11 का कप्तान नामजद किया गया है, और ये ऑलरेडी जो कैप्टन है ये इंडिया टीम से कैप्टन है। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आर्टिकल इज रिसेंटली पब्लिश इन विच न्यूज़पेपर। इमरान खान
ने रिसेंटली एक आर्टिकल जेल में से लिखा है, वो किस जो न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुआ है, तो उसका सही जवाब है द इकोनॉमिस्ट पे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जेल से आला अंग्रेजी अखबार के लिए एक मजमून लिखा है और मजमून का जो उनवान था, इमरान खान ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान के इंतखाबात एक फसाना हो सकते हैं, ये उनका उनवान था। पाकिस्तान विल स्टार्ट रिसीविंग पेपाल पेमेंट फॉर फ्रीलांसर फ्रॉम विच मंथ। पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर हैं वो पेपाल से अदायगियां किस मंथ से हासिल करना शुरू करेंगे, तो इसका सही जवाब है फरवरी 2024 से। निगरान वफाकी वजीर बराए आईटी और टेलीकम्युनिकेशन डॉक्टर उमर सैफ ने जुमेरात को कहा कि जो पायलट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10,000 फ्रीलांसर फरवरी में पेपाल से अदायगियां वसूल करना शुरू कर देंगे, ये भी आईटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। नेक्स्ट ने इन विच कंट्री सोलर पावर स्टेशन आर बीइंग इंस्टॉल एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस मुल्क में सोलर पैनल जो स्टेशन है वो इंस्टॉल किया गया है हेरिटेज साइट में, तो इसका सही जवाब है इजिप्ट यानी के मिस्र में। मिस्री आलमी सकाफती विरसा के मकामात पर शमसी तवनाई के प्लांट को बाजाब्ता तौर पर खोला गया है जिनसे ग्रीन हाउस गैसों के अखराजात को नमाया तौर पर कम करने में मदद मिली है और आलमी पायदारी के मकासद और ख़ास तौर पर पायदार तरक्की के अहदाफ यानी कि 7 सस्ती और साफ तवनाई और 13 मौसमियाती कार्रवाइयों के तौर पे लगाया गया है, यानी कि सोलर पैनल्स पे ये तमाम चीज़ें चलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे फरवरी के, और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे डिटेल के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी पेपर चाहिए या प्रिपरेशन चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में भी ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।